तो भाइयों देखो चौथ साहब को ये बीज मिला था और ये गन्ना पेड्डी देख लो चौथे दोस्तों की शानदार ट्रिलिंग हो रही इसमें भी तो लगा दी थी जी, थी थे। अच्छा मुझे खनगर था जी थी कहा अच्छा लखीमपुर खीर ऐसी हाँ बढ़िया कलर हो में हाँ बरसात में कुछ पेड़ापन सा साथियों नमस्कार स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पर तो भाइयों आज मैं पहुँचा हूँ मेघाखेड़ी गांव में और इस गांव में जो है भाइयों 80 से 90 परसेंट लोग जो है ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती कर रहे कुछ किसानों ने चौड़ाई अड़तालीस इंची पर रखी किसी की बैड्स भी है और भाइयों सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो साठ इंची पर गन्ने की है तो हमारे चौधरी साहब ने भी अट्ठावन से साठ इंची पर गन्ना लगा रखा छोटा ट्रैक्टर इनके पास में सोलिस का है और ट्रेंच विधि से लगभग कई वर्षों से खेती कर रहे तो आज सामने से गन्ना वैरायटी आप देख रहे हैं कोलक चौदह दो सौ एक का प्लॉट है इनका तो वैरायटी के बारे में तो बात करेंगे ही आज जो हिसाब से दूसरी चर्चा भी करेंगे कि जिस तरीके से ये ट्रेंच की खेती कर रहे हैं साठ इंची पे काफी सारे भाइयों का फोन भी आवा है कमेंट भी आवा कि साठ इंची पे एवरेज घट जा तो भाइयों जो हिसाब से आज अनुभव लेंगे कि साठ इंची इन पर इनका कैसा एवरेज है क्या अनुभव है इनका तो सबसे पहले मैं किसान भाई से मिलवा दू एक बार और उसके बाद में करेंगे पूरी चर्चा तो हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार जी हाँ जी थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को आप परिचय करा दो जी मैं जय कुमार जी जी गाँव में सत्यपाल गा अच्छा, जी, जी। अच्छा अच्छा तो चो साहब लगभग कितने वर्षों कर से कर से रहे टेन तो सात थे ये मान लो जी पहले तो हम अड़तालीस पे बो कर रहे थे जब लोग यंत्री हाँ जी जी तो ऐसे हो गए छह सात साल जी अच्छा अड़तालीस में और अब जैसे साठ पे बो रहे आप उसमें क्या अंतर लगा कुछ एवरेज का तो परेशानी रहती अच्छा, अंतर तो यो उसमें दोरा नहीं बिल्कुल और चौड़ाई भी बढ़ गई हाँ भी खेत में हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद भी इसकी रिकवरी उससे ज्यादा ज्यादा निकल जाए कम नहीं है इतना ही मतलब अड़तालीस का निकलिया कुल मिला के ही साठ का निकल जा मतलब पांच फुट तक तो हमको दिखाई दी नहीं जी अच्छा पांच फुट जी जी ज़्यादा छोटा देखा नहीं अच्छा पांच फुट तक नहीं पांच फुट तक लेकर अड़तालीस इंची से या तीस इंची से लगा लो आपको जंग दो काम कर रहे जी 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 तो इसमें ऐसा कुछ नहीं किसान ने सोचो तुम नेडा बोलो की मोटाई बढ़ जा जी 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 मोटाई बढ़ गन्ने वजन चाहे आ रहा है बिल्कुल वजन नहीं जा रहा जी तो साहब जैसा ट्रेंच पे को लख चौदह दो सौ एक लगाया जी इसमें ट्रिलिंग भी काफ़ी कैसी लग रही गन्ना वैरायटी है गन्ना वैरायटी ठीक है जी वो पिछले साल इसकी पेडी भी है मेरे पास हाँ जी हाँ जी पिछले साल लगाया था हाँ जी और जमा बहुत बढ़िया वजन बहुत है बीज में वजन बहुत है रोग वोग भी ऐसा कुछ नहीं पकड़ता जी जी और... तो ये बोआई कब की जी खेती ये है जी मेरे ख्याल में ऐसी होगी ये मार्च ही नहीं ये अप्रैल अप्रैल ऐसा है जी कम से कम सात अप्रैल

इसमें थोड़ी सी अपने किसान भाइयों को लागत और बताओ फिर भी आप करा करो क्या लागत क्या देखो जी लागत की बात यह है लागत का सबको ही पता लग रहा है रुका तो रहा है लागत तो अपने हिसाब से देनी चाहिए खेत के हिसाब से हाँ जी जी ज्यादातर आदमियों को चाहिए किसान को चाहिए कि कम से कम अपनी मिट्टी एक आध पर देख दिखा ले हिसाब से दे जो अंधे लागत दे रहे है किसान खाम का बिना वजह भाई मेरे रोग आ गया आप पड़ोसी को बहुत अच्छा खड़ा है मुझे बिल्कुल लुटाई हो रही है एक किस्म की हाँ जी हाँ जी ये मान लिया साल भर की फसल है बिल्कुल बिल्कुल तो साल भर में धीरे धीरे पकड़गी बड़ी होगी हाँ, उसको हम दो दिन में थोड़ा तैयार कर देंगे हाँ सही बात है ये कंपटीशन लोगों में देख देख के अजी तीन चार परसेंट का आइटम है जिसके मारो हम इतने इसमें पैसे लगा दें बिल्कुल, बिल्कुल। और तो ये प्राकृतिक और कुदरत से सलाह ले रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें सब दे रखा है लेकिन ये तीन परसेंट के ऊपर हम इतने पैसे लगा दें बिल्कुल बिल्कुल ये मान लो आप आधे से ज्यादा हम ऐसी दुकानदार को दे सही कह रहे हैं बिल्कुल तो या थोड़ा सा मेरा किसान भाई अपील भाई अपना खेत देख कर लागत दो अच्छा तो पी, पी, पी एच वैल्यू दिखाओ अपनी बुआई में हमने इसमें दो धड़ी का डीएपी डाली ठीक है जी पोटास हमने डाला नहीं ठीक है जी मैं पोटास की स्प्रे मार जी मशीन वाला रखी उसकी महंगा पड़ा स्प्रे में कुछ सस्ता पड़ जाए बिल्कुल बिल्कुल और तो इसमें हमने

इतनी जुताई होने के बाद में भी ट्रेंच पचरा इसमें भी ट्रेंच खत्म नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से तो इसमें जी एक चीज हो रहा है जैसे आप बड़े ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाओगे तो देखो हम अड़तालीस बोरे जैसे तो उसमें थोड़े से मिट्टी भी जल्दी चढ़ानी तो पड़े उसका मिट्टी का सिस्टम ही हो जब तक मिट्टी लादा होता नहीं वो मिट्टी चढ़ानी पड़ो हाँ मजबूरी जी नहीं तो फिर उसमें लचारा कैसे चढ़ाओगे हाँ जी हाँ जी अब जब छोटा पोवा दब जा जी जी तो वो जोर नहीं करता सूखी जा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी जो पोहा बड़ा है वही बचेगा हाँ जी हाँ जी अन्यो तो छोट छोटे पो वे शूप शूप। तो छोटे पोए जा बड़े से मिट्टी चढ़ाने जी और टंचर का तो बहुत लाभ है जी मान इतना चौड़ाई सौ बो रहे हम हाँ जी भाई पेडी ले, ले ली तीन राय तीन साल भी ले सको जी जी प्यार भी ले सको कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल और फिर खूड थोड़ा सा जगह बदल दो अच्छा मिट्टी चढ़ने का फूड आ जाएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी सस्ता मिल जाए इसमें खाली भी छोड़ने की जरूरत नहीं किसान अच्छा जैसा आप बता रहे थे मिट्टी चढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए जी मिट्टी कौन सी मतलब बढ़िया भाई देखो मिट्टी का आकार ये होना चाहिए अच्छा अच्छा ऊपर की जगह भर जान जी है ऊपर मिलना चाहिए जी 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 किसी जी। भी अंतर चढ़ा लो ऊपर मिट्टी मिल जाएगी और ऊपर मिट्टी में आपकी जगह रहेगी हां जी, जी थोड़ी रह जाओ ज्यादा रह जाओ जी वो उसे करने को घेर देगी घेर देगी बंदवाना पड़ेगा जी बंदवाना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये मिट्टी रहने के अंदर बहुत आ रहे है एक वो हारो वाला भी आ रहा है जी हां जी हां जी वो क्या कह रहा है रो बीच में डोर छोड़ दे हां बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ जिसमें आ रही बीच में डोल छोड़ दी जब एटून हाँ, चलावा हाँ जी, हाँ जी। तो उसको सही नहीं चलता परेशान करो ठीक है जी तो, 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 तो सपा मिट्टी चढ़ाने वाला आपना चाहिए बिल्कुल मिट्टी चढ़ा रहे तो तो आप कौन सा यंत्र ले लीजिए मिट्टी चढ़ाने का भाई मैं तो एक वो यही मुजफ्फरनगर में तारा जी इसका ले रहा है अच्छा अच्छा वैसे पंखड़ी वाला का ही यंत्र है बहुत छोटा यंत्र बहुत अच्छा कर देगा ठीक ठीक तो भाई वो भी दिखाऊंगा आपको इनका ये तो मिट्टी चढ़ाने वाला मिट्टी चढ़ाने का तो आप देख देखो वैसे भी बनवा लो चाहे मिस्त्री से कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी हाँ जी कोई नहीं है भाई बीस हजार वो ये सिंगल जो जैसा खोट निकालने वाला रेजर हाँ, है उसी रेजर तरह का छुटा हो जाए इसका हाँ। सिस्टम तो ये अच्छी जुताई कर दो हाँ बिल्कुल हो गया मिट्टी चढ़ जाएगी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मिट्टी का बस प्रकार यही होना चाहिए हाँ यही होना चाहिए मतलब छीद नहीं होनी चाहिए अगर छीद है तो उस मिट्टी का लाभ नहीं होता इतना बिल्कुल बिल्कुल वो गिर जाएगी तो जो साहब जैसे आप अड़तालीस इंची में पहले लगा रहे थे जी फिर अड़तालीस से कैसे मन में आयेगी भाई ट्रैक्टर फिर साठ रुपए परेशानी रहती मिट्टी चढ़ाती हमने का आड़ बनवाया जी अपने हिसाब से जी हम मिट्टी चढ़ा लेते हाँ जी मिट्टी चढ़ गई उसमें एक बार इधर एक बार इधर गुलाई मेहनत बहुत पड़ी ठीक है फिर डोल सीरा रखनी पड़ा थी हमने दो साल लग तीन लोग बल्कि वो चाचा जी का लड़का हमारा कर रहा है छोड़ता हाँ जी तो इस तरीके से कर रहा है अड़तालीस इंची वो रखा अच्छा तो सिंगल वाला हल जी कितनी मट्टी पूछाता था वो वो बढ़िया खंदक मार दिया था जी वो भी बढ़िया एक्टर्स तो इतनी लगा थी। हाँ जी, हाँ जी एक दो बंधाई करवा दे हाँ, चौड़ाई नहीं रहा थी बंदे में भी आसान हो जाता जी, जी, जी। अब इसे कहने लगे कोई नो मिलवा दो हाँ। तो काफी बटवार होने के बाद मिलवा नहीं तो मिलता नहीं बिल्कुल बिल्कुल वैसे बंधाई का बहुत नुकसान है जी टेंशन बिल्कुल ज्यादातर खुला गन्ना जो रहेगा वही वही वजन देगा बिल्कुल बच्चा बन बनेगा बिल्कुल बिल्कुल तो भाइयों देखो अभी जो हिसाब का मैं तेरह दो सौ पैतीस और दिखाऊंगा आपको और बहुत अच्छी जानकारी दी कई तरह के साल का अनुभव लिया इन्होंने अड़तालीस सौ भी लगा के और उसके बाद में देखो प्रॉपर कृषि यंत्र अपने छोटा ट्रैक्टर भाई कोशिश किसान को यही रखनी चाहिए नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दो गन्ने की मोटाई बढ़ाओ जी अच्छा गन्ने की मोटाई और ब्याज जब ही होगा जब उसे हम ऐसा स्वभाव देंगे वहां से जी 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 तो मान लिया हमने मिलाए कंची डाल दी मिला खूर निकाल दी तो कहाँ से ब्याह जाएगा हमें मतलब खुला हवा लगा धूप लगे और जब भी मोटा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टॉप ड्रेसिंग करें मतलब ऊपर से स्प्रे ही नीचे का कम डाल लें बिल्कुल बिल्कुल तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी कमेंट करके बताइयो नमस्कार